नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कि हम मंडे के दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मिड कैप का भी एनालाइज करने वाले कि मिड कैप में किस तरीके से प्लान करके कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में। दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि पूरा 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 का पूरा वोलेटाइल हो रहा है। पूरा अगस्त का महीना बीत चुका है दोस्तों कि अपन को यहाँ पर ऑप्शंस के प्राइस बहुत ही ज़्यादा डीके होते हुए देखने को मिले। अब गाइस, यहाँ पर सितंबर लग चुका है, देखते हैं यार सितंबर में क्या होता है। क्या मार्केट कुछ बड़े बड़े मोमेंटम देने वाला है या नहीं देने वाला है, ये अपने को पता चलेगा इस कल के दिन। देखा जाए तो यहाँ पर गाइस 12 से 15 दिन हो चुका है, मार्केट पूरा का पूरा वोलेटाइल हो रहा है। अगर अपन देखें यहाँ पर निफ्टी को, तो निफ्टी में क्या हुआ, फ्राइडे के दिन एक तरीके से गैप अप होता है निफ्टी, उसके बाद क्या हो जाता है, वहीं पर पूरा का पूरा निफ्टी साइडवेज हो जाता है। बट वहीं गाइस, अगर अपन दूसरी तरफ एक तरीके से यूएस का मार्केट देखें, तो वहां पर अपने को एक बहुत ही प्यारी रैली गाइस अपने को देखने को मिले। देखा जाए तो यहाँ पर फ्राइडे को डाउ जोन फ्यूचर 200 पॉइंट यहाँ पर अपने को पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला। वहीं पर उनके अगर रियल टाइम फ्यूचर्स की बात करें, जो एक तरीके से वर्ल्ड फ्यूचर्स इंडेक्स होते हैं दोस्तों, वो भी काफी अच्छे पॉजिटिव अपने को देखने को मिले। पॉजिटिव अपना मार्केट भी ऐसे ही नहीं बात है, बट गाइस कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होना चाहिए, जो ऑप्शंस के प्राइस में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो अपने को बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अगर अपन मार्केट को देखें दोस्तों, मार्केट को चेक कीजिएगा, 13 और 16 यहाँ पर कुछ मोमेंटम था गाइस, उसके बाद तो मार्केट में क्या हो गया, थोड़ी बहुत साइडवेज हुआ। फिर 20 अगस्त को काफी अच्छा चला देखा जाए तो मार्केट, फिर यहाँ पर 22 को फिर देखा जाए तो पूरा का पूरा साइडवेज अपने को देखने को मिल रहा है। तो क्या मंडे को मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम आने वाला है, हम उसके ऊपर जो चर्चा करेंगे। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ऐसे लेवल हैं, अगर आप उन लेवल को प्रॉपर फॉलो करते हो गाइस, अगर वो प्रॉपर नीचे ब्रेक करते हैं फिर ऊपर ब्रेक करते हैं, तो शायद गाइस अपने मोमेंटम एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बट मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मार्केट में एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव ओपनिंग अपने को देखने को मिलेगी बेशक, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस का फ्यूचर्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अगर अपन यहाँ पर देख गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पर मेरे को एक तरीके से इन्वेस्टिंग के चार्ट एक 0-0 बता रहा है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो अपने ओपनिंग देखने को मिलेगी पॉजिटिव। बट मैं ये कहूंगा दोस्तों कि अपने मार्केट में क्या हो रहा है कि जैसे कुछ गैप अप ज्यादा हो रहा है, तो अपने को मार्केट में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं साइडवेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुछ निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल है जो अपन एक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं यहां पर गई से एक तरीके से बिटकॉइन। देखिए, अगर अपन बिटकॉइन चेक करेंगे इस 28 तारीख से पूरा का पूरा ये भी साइडवेज है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, वहीं पर अगर अपन यूएस का मार्केट देखें तो ये भी काफी अच्छा ऊपर अपने को जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट गाइस, देखने वाली बात है यहाँ पर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम और बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम को। थोड़ा यहाँ पर आप निफ्टी के टाइम फ्रेम को समझोगे, इसके निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी एक तरीके से ऊपर तो जा रहा है, बेशक स्ट्रेंथ है, बट क्या हो रहा है, जो कि जो मोमेंटम होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी मोमेंटम होती है वो अपने को देखने को नहीं मिल रही है। डेली मार्केट में क्या होता है कि वही डोजी अपने को देखने को मिल रही है। देखिए, 20 अगस्त डोजी हुई छोटी सी कैंडल, 19 अगस्त छोटी कैंडल, यहाँ पर देखा जाए तो जो कैंडल में जो मोमेंटम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ रहा है। देखा जाए तो वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट के दायरे में ही मार्केट वहीं पर सिमट रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर गई से अगर अपन बैंक निफ्टी को चार्ट को देखें ना, तो बैंक निफ्टी को चार्ट थोड़ा समझे गई, मैं आपको बार बार बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है गई कि मार्केट बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, उन लिक्विडिटी को हंट करेगा मार्केट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख ले तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे मार्केट में एक तरीके से हो क्या सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर चल रहा है यहां पर देखा जाए तो। ये अब थोड़ा सा यहां पर गाइस ऑब्जर्व कीजिए कि जो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, क्या इसमें कोई स्ट्रेंथ है क्या? बिल्कुल भी अपने को यहां पर स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को वापस एक तरीके से यहां पर करके दिखाता हूँ आपको, चेक करिएगा यहाँ पर। अगर अपन देखिए, चेक करें यहाँ पर 21 अगस्त एंड 22 अगस्त तक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 से 8 कैंडल बन चुकी है। बट चेक करिए कि मार्केट में हो क्या रहा है, एक तरीके से वोलेटाइल अपने को बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट या तो क्या करेगा, जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट या तो यहां तक जाए, इस पॉइंट तक जाए, फिर मार्केट नीचे आए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरीके से क्या हो चुका है, लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। लिक्विडिटी यानी कि अगर मैं बोलूं तो स्टॉप लॉस, देखिए इस लेवल के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं यहां पर, जो मार्केट गाइस कहीं ना कहीं उनको क्लियर करेगा, उनको मार्केट क्लियर करेगा। पर थोड़ा सा मोमेंटम देने के बाद एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है मंगलवार के दिन। मुझे ऐसा क्यों लगता है, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। कल मंडे को एक तरीके से यूएस का मार्केट बंद रहेगा और कहीं ना कहीं कल मार्केट में वही होगा, एक तरीके से चिंदी चोरी होगी मार्केट में देखा जाए तो।
मोमेंटम आ जाए। बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मंगलवार के दिन अपने मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है इस हफ्ते में, जो सितंबर लगा दोस्तों, इस हफ्ते के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अब उसके पीछे का रीज़न मुझे कहाँ से पता चला मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट गाइस। कहना चाहता हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं एक्टिव हो चुका हूँ, मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं था गाइस, बट मैं अब प्रॉपर आपको टेलीग्राम पर अपडेट देने वाला, तो यही कहूँगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर गाइस मैं कुछ तरीके से चार्ट्स एंड डेटा मैं इस तरीके से आपको भेजता रहता हूँ, जहाँ पर कुछ मुझे मिलता है तो वहाँ पर भी मैं आपको प्रॉपर भेजता हूँ, आप चेक करिए इस तरीके से। तो एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं मुझे यहाँ पर ऐसा क्या लग रहा है दोस्तों, हम आ जाते हैं यहीं पर। देखिए अगर दोस्तों अपन चेक करें A5, देखो स्ट्रांग बुलिश है, मतलब जो जो एक तरीके से ऑप्शंस में देखा जाए तो अपने को यहाँ पर उनका वाई क्या है एक तरीके से बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात करता हूँ इसमें कैश मार्केट की, तो चेक करिएगा DIN दोस्तों बहुत ही बड़ा एक तरीके से देखा जाए कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है पूरे अगस्त महीने का। अगर आप चेक करोगे ना इस पूरे अगस्त में उतना उन्होंने सेल नहीं किया था DIN ने, बट लास्ट टाइम पे फ्राइडे को DIN ने बहुत ही बड़े फंड से कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बुक किया है, मतलब 3,198 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ है डोमेस्टिक प्लेयर की साइड से, कि भैया मार्केट में उनका यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। वहीं पर कहीं से अगर अपन अगस्त में देखा जाए तो अगस्त में एक बार हुआ था 2900, बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो कहीं ना कहीं अगस्त के इस फ्राइडे के दिन अपने को बहुत ही बड़ा उनका एक तरीके से प्रॉफिट उन्होंने क्वांटिटी को निकाला हुआ है। बट यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए फिलहाल में देखा जाए तो A5 बुलिश है, बुलिश है, गैप अप होने के चांस मुझे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ लेवल ऐसे जो अगर उनको प्रॉपर याद रखते हो गाइस तो आपके लिए वो लेवल प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। यहीं पर बात करते हैं दोस्तों अपन डेटा के बाद में। देखो अगर अपन डेटा चेक करेगा इसको चेक करेगा डेटा, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का डेटा अगर देखा जाए तो आने दो इसको, थोड़ा सा नेगेटिव मुझे बैंक निफ्टी का डेटा देखने को मिल रहा है। 51,500 के लेवल पर दोस्तों कोल का ओआई बहुत ही ज्यादा है, मतलब यहां पर दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये लेवल का ब्रेकआउट होता तो फिर अपने को बैंक निफ्टी काफी अच्छा ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो मिड कैप एक तरीके से बुलिश है। अब गाइस बात करते हैं कि हमें किस लेवल पर ध्यान देना है। देखा जाएगा इस, तो मुझे जो लगता है कि सितंबर का महीना काफी अच्छा होगा ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि अगस्त का महीना बहुत ही खराब गया। अब सितंबर में क्यों खास होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फेड भी अपने रेट कट करने वाले हैं, और जो अभी यहाँ पर फेड का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था फ्राइडे को वो भी काफी अच्छा अपने को बेटर आता हुआ देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सितंबर का महीना रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। एंड दोस्तों फिर भी अगर आप ऑप्शन में पैसा नहीं कमा पा रहे तो यही कहूंगा कि आप क्रिप्टो में एक बार ट्राई कर सकते हो, क्रिप्टो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप सेंसिबल भी यूज करना चाहते हो तो आप सेंसिबल भी यूज कर सकते हो, ये पूरा फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा Angel One के एप्लीकेशन पर। आप जाओगे वहां पर टूल सेक्शन पे, जहां पर आप टूल पे जाओगे वहां पर पूरा का पूरा सेंसिबल आपको दिख जाएगा, आप सेंसिबल को यूज करके अपने ट्रेडिंग को भी आप आसान कर सकते हो, पूरा का पूरा फ्री है। एंजल का लिंक मैंने आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी स्टार्ट करके पहले अपन निफ्टी को चेक करें, चेक करिएगा अपन निफ्टी पे आ जाते हैं, जस्ट वेट। देखिए अगर कहीं से अपन निफ्टी को चेक करें तो निफ्टी ने क्या किया था, प्रॉपर चेक कीजिएगा कि ये जो लेवल आप चेक कर रहे हो मार्केट ने कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर चेक करिए कि मार्केट ने इस पॉइंट को ना प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया था। मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ, साइडवेज हो गया, तो अपने को यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी का वो हमारा रहने वाला है एक तो ये नीचे का लेवल, मतलब अगर इसके नीचे मार्केट आता है दोस्तों तो फिर अपने लिए क्या हो जाए, सेलिंग का एक बोलते ना पूरा का पूरा खुला आसमान एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा अपने को यहाँ पर डाउनसाइड में प्राइस आता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको ध्यान देना कि ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो रहेगा, इसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अगर आपने इसको प्रॉपर फॉलो कर लिया गया इस, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही प्यार आपको फुल देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में। डाउन साइड का जो नंबर रहेगा सबका 25,180 का रहेगा, ठीक है, इसको प्रॉपर याद रखना है कि जब तक इसके ऊपर रहे आपको यहाँ पर एक तरह से स्कैल्पिंग ही करना है। अगर इसके नीचे प्राइस आता है गाइस तो फिर अपने को जो निफ्टी है 25,100 रहेगा टारगेट, एंड आपको यहाँ से अलग से पुल बैक देखने को मिलेगा लाइक इस तरीके से, फिर आपको प्राइस 25,080 पर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो मुझे लगता है 80 एंड 25,050 ये आपके टारगेट होने वाले हैं कहीं ना कहीं निफ्टी के डाउन साइड में, ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे
रही बात गई अगर अपन यहां पर देखा जाए, अगर ऊपर की लेवल की बात करते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना गैप अप अपने को देखने को मिलेगा। जो प्राइस एक तरीके से ओपनिंग हो सकती है, जो मुझे लगता है 25,300 पर निफ्टी ओपन होता हो आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर कल डे हाई बनाया था इसने इस लेवल पे, ये आपके लिए प्रॉपर एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ये जो लेवल है ये प्रॉपर सपोर्ट तरह वर्क करेगा, जो अपना आता है 25,270 से लेके 25,300। अगर मार्केट इस जोन के अंदर ओपन होता तो आप भाई सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना है, बट आपको ध्यान देना कि 25,300 पर तो एक तरीके से पुट वाइज ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपके लिए प्रॉपर एक अच्छा खासा आपके यहाँ पर संकेत होगा भाई बाई करने का। बट आपको ध्यान देना अगर मार्केट क्या करता है और गैप देना साइडवेज होता है, थोड़ा आपको वहाँ पर अवॉइड कीजिएगा। मार्केट क्या करेगा, क्योंकि यूएस मार्केट डिमंड रहेगा तो फिर आपके थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो यहाँ पर कोई स्कैल्प ही करना है। बट थोड़ा सा एक और चीज को ध्यान दो कि अगर मार्केट में क्या हुआ, देखो गैप अप तो होना है मार्केट में, गैप अप होकर मार्केट अगर नीचे आके फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करती है, ट्रेंड लाइन तो एक्सटेंड होगी कहीं ना कहीं, ये लेवल तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बट ट्रेंड लाइन भी एक्सटेंड होगी, तो फिर अगर इसके ऊपर ओपनिंग देखे अगर 25,270 अगर नीचे ब्रेक कर रहा है, तो आपके लिए टारगेट रहेगा 25,200 एंड 25,180। समझ आया गाइस मैंने क्या बोला? फर्स्ट मतलब अगर मार्केट गैप होकर नीचे आ रहा है और कहीं ना कहीं ये लेवल नीचे ब्रेक करेगा, तो अपना टारगेट ये रहेगा, फिर अपना टारगेट ये रहेगा, फिर ये ब्रेक होगा तो फिर अपने को अच्छा खासा फॉल भी निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि 25,300 अगर ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा पुट वाई बढ़ेगा और वहां मार्केट हल्का सा बाउंस बैक देगा, तो स्कैल्पिंग करना है एक छोटी छोटी क्वांटिटी में। और ध्यान देना गाइस, ये मत समझना कि मार्केट बुलिश है 25,000 के ऊपर मैं यहाँ पर क्वांटिटी बाय करूँ। देखो मार्केट में गाइस अगर आप देखोगे ना, तो देखिए सारी की सारी लिक्विडिटी नीचे है, सारे जो स्टॉप लॉस होते हैं नीचे है। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे है, तो मार्केट में ऊपर पैसा नहीं। देखो दोस्तों मार्केट जो है ना एक तरीके से जीरो सम गेम है, मतलब अगर किसी का पैसा जाएगा तो किसी के पास पैसा आएगा। आप देखो अगर ऑपरेटर को प्राइस ऊपर लेके जाना तो क्या करेगा, या तो नीचे स्टॉप लॉस इकट्ठा करेगा फिर उनको बाई करेगा। तो मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो नीचे ज्यादा है, ध्यान देना है आपको जो लेवल मैंने बताया है। बट अगर आप ऊपर प्लान कर रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा क्वांटिटी को ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस को यूज जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पूरा का पूरा सिंपल है, जो रेंज आप देख रहे हो इसे पूरा का पूरा वोलेटाइल रेंज है। आप चेक करिएगा, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो पूरी रेंज आप चेक कर रहे हो इस पूरी वोलेटाइल रेंज है, ये एक्चुअली स्कैल्पिंग रेंज है। तो मैं ये कहूंगा ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके लिए पूरा का पूरा स्कैल्पिंग ही गई, पूरा पूरा स्कैल्पिंग है। अगर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 51,500, वहां पर क्या दोस्तों, वहां पर एक तरीके से कॉन्ट्रा राइटर बहुत ज्यादा है, तो आपको ध्यान देना है कि 51,500 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है तो फिर आपको आराम से अपसाइड के लेवल 52,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ध्यान देना अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर एक तरीके से नीचे भी आ सकता है। ध्यान देना अगर मार्केट गैप होके प्राइस सस्टेन कर रहा है, बुलिश दिख रहा है, तो आपको आराम से अपसाइड में जाना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो फिर आपको प्राइस क्या करेगा कि इस लेवल से जो कैंडल का लो देख रहे हो अगर नीचे ब्रेक कर देता है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, देखो मार्केट में क्या हो गैप अप हुआ, यहाँ पर मार्केट एक तरीके से चल रहा है देखा जाए तो 51,300, मार्केट आ गया 51,500 के ऊपर। अगर इसके ऊपर बुलिश दिख रहा है, अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो फिर अपन एक बाय ऑन डिप पे एक तरीके से प्लान कर सकते हैं अपसाइड में। बट अगर नहीं दिख रहा है मार्केट, अगर फिर नहीं दिखने का, तो अगर ये लेवल नीचे ब्रेक कर जाता है 51,434, तो फिर गाइस हमारा जो निफ्टी रहे बैंक निफ्टी रहेगा, सॉरी अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन हुआ, एग्जाम्पल यहाँ पर ओपन हुआ, स्ट्रेंथ दिख रहा है तो अपन बाय ऑन डिप यूज कर सकते हैं। बट अगर नहीं दिखी स्ट्रेंथ और मार्केट ने क्या किया इसके नीचे ब्रेक कर दिया, इसके लेवल को नीचे तोड़ दिया, तो फिर अपने को बैंक निफ्टी इस सपोर्ट पर आता हुआ देखने को मिलेगा 51,237। एंड 51,237 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करेगा 51,150 एंड 51,000 के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। बट जो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज वोलेटाइल भी हो सकता है। बात करते हैं मिड कैप के बारे में दोस्तों। मिड कैप पे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे स्कैल्पिंग के, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हुआ तो आपको यहाँ पर स्कैल्प ही करना है। देखिएगा 13,200, ठीक है, 13,200 के प्राइस निकले तो अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, जो कम से कम जाता हो देखने को मिलेगा 13,250 एंड 13,280, ये आपके अपसाइड के लेवल रहेंगे। अगर 13,137 यानी देखा जाए तो यहाँ पर 13,137 ब्रेक हो तो आपको यहाँ पर आराम से 13,100 और 13,100 से नीचे प्राइस अगर सस्टेन करेगा, इस 13,070 को नीचे ब्रेक करेगा, तो फिर आपको आराम से एक बड़ा प्यारा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कहीं ना कहीं
अगर ये ऊपर ब्रेक करे तो अच्छी बात है, नहीं ब्रेक करे इस रेंज के अंदर स्कैल्प करना है, इसको ब्रेक करे नीचे डाउन साइड को 13,100, 13,100 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा 15 मिनट, तो फिर आपको बहुत ही प्यारा मिड कैप में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन वीडियो, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट करो एंड लाइक करो वीडियो को, एंड गाइस यही कहूंगा सब्सक्राइब करो, आपके भाई को सपोर्ट जरूर करो। चलिए यही सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से जय श्री राम।